तो दोस्तों स्वागत है आपका क्यूबिट गेमक पे। और यहाँ पे जो है हम खेलने वाले हैं आज चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस कोलकाता नाइट राइडर्स, जो कि आईपीएल 2022 का पहला मैच है, वानखेड़े स्टेडियम में होने वाला है। और लाइनअप जो है मैंने ये रखी हुई है, तो अगर आपको कोई और सजेशन है तो आप कमेंट्स में बता सकते हैं कि कोई और प्लेयर को अगर मैं ऐड करूँ तो वो नेक्स्ट मैच में जो है मैं ऐड कर लूँगा। तो टॉस की तरफ चलते हैं, देखते हैं कौन टॉस जीतता है वानखेड़े में। यहाँ पे ड्यू काफ़ी रहता है, तो जो बाद में बैटिंग करेगा उसको थोड़ा सा जो है एडवांटेज रहता ही है। तो देखते हैं टॉस जो है क्या किस्मत डिसाइड करता है। यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स ने टॉस जीता है और मैं जो है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहा हूँ। और मुझे जो लगता है कि बॉलिंग करनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है बाद में जो है काफ़ी अच्छा जो है बॉल आती है बैट पे ड्यू के कारण। तो वानखेड़े स्टेडियम है ये, काफी सुंदर लग रहा है। एमएस धोनी वर्सेस श्रेयस अय्यर, और बैटिंग करने जो आएंगे कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से वो होंगे अजिंक्य रहाणे और वेंकटेश अय्यर। तो चेन्नई सुपर किंग्स चाहेगी कि विकेट मिल जाए स्टार्टिंग में दो चार, तो मजा ही आ जाए। और अंपायर्स और फील्डर्स आ चुके हैं मैदान पे। तो पहला ओवर जो है यहाँ पे लग रहा है दीपक चाहर डालेंगे। जी हाँ दोस्तों, दीपक चाहर डालेंगे पहला ओवर, और यहीं पे वेंकटेश अय्यर और अजिंक्य रहाणे भी मैदान पे आ चुके हैं। स्टार्ट करी जाए तो यहाँ पे पहली बॉल डलने वाली है, और यहाँ जो है फील्ड चेंज कर ली जाए क्योंकि फील्ड जो है उतनी बढ़िया लग नहीं रही है मुझे। बहुत ही आसानी से ऑफ साइड में जो है एक आधा ऊपर से शॉट लगा दिया तो बहुत ही आसानी से रन बन जाएंगे। ये ट्राई करते हैं। तो पहली बॉल यहाँ पे दीपक चाहर अजिंक्य रहाणे को, अच्छी बॉल, रन लेना चाहते थे लेकिन फिर रोका क्योंकि फील्डर मौजूद थे वहां पे, और बहुत ही अच्छे से उसने फील्डिंग कर ली। नेक्स्ट बॉल पे एक बार फिर से अच्छी शुरुआत, यहाँ पे डॉट बॉल के साथ शुरुआत करी है अजिंक्य सॉरी दीपक चाहर ने, और ये अच्छा शॉट यहाँ पे लेकिन सिंगल ही मिलेगा सिर्फ अजिंक्य रहाणे को। वेंकटेश अय्यर आ गए हैं यहाँ पे अब बैटिंग करने, शॉट बहुत ही शानदार खेल दिया उन्होंने। ये जो है बाउंड्री पर बॉल जाएगी चार रनों के लिए, फील्डर बहुत ही दूर रह जाएंगे, और बहुत ही अच्छी शुरुआत यहाँ पे वेंकटेश अय्यर की। आगे बॉल दी, देखा गैप है और वहां पे जो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से ताकतवर शॉट मार के जो है चार रन बटोर लिए उन्होंने। फील्ड अभी भी सेम रखी हुई है, तो देखते हैं कि क्या यहाँ पे पिटारे में से जो है टिकड़म निकालते हैं वेंकटेश अय्यर को रोक के रखने के लिए। काफी आक्रामक बल्लेबाज हैं यहाँ पे वेंकटेश अय्यर, और उनको रोक के रखना बहुत जरूरी होगा यहाँ पे, क्योंकि अगर उन्होंने जो है रन मारने चालू कर दिए तो यहाँ पे पहले जो है यहाँ पे पहले दो चार ओवर में वो अच्छा खासा जो है नुकसान कर देंगे और यहाँ दूसरे के लिए जाएंगे क्या। जी नहीं दोस्तों, एक से संतुष्ट रहेंगे। आखिरी गेंद दोस्तों इस ओवर के, छह रन आए अभी तक इस ओवर में, देखते हैं क्या और ज्यादा रन आएंगे या नहीं। नहीं दोस्तों सिर्फ छह रन आएंगे, तो अच्छा ओवर ये, अच्छी शुरुआत चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरफ से। एडम मिलने आए हैं यहाँ पे बॉल डालने के लिए, और वो बॉल डालेंगे वेंकटेश अय्यर को, और बहुत ही अच्छी बॉल यहाँ पे एज लगा वेंकटेश अय्यर का लेकिन फील्डर से काफी दूर जाके गिरी बॉल, तो नुकसान कोई नहीं होगा। एडम मिलने एक बार फिर से, देखते हैं क्या होने वाला है। और ये शॉट अच्छा है, और क्या यहाँ पे विकेट मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, विकेट मिल गया है यहाँ पे। वेंकटेश अय्यर जो है पिछले ओवर में चौका मारा था उन्होंने, लेकिन इस बार जो है हवा में बॉल मारी और सीधा जो है यहाँ पे मिड विकेट के फील्डर ने जो है उसको पकड़ लिया बहुत ही आसानी से। तो चेन्नई सुपर किंग्स को जो है एक अच्छी सफलता मिलती हुई यहाँ पे बहुत ही जल्दी इनिंग्स में, तो काफी खुश होंगे ये। बहुत ही बढ़िया बॉल थी और उसको जो है उठा के खेलना चाहते थे मिड विकेट के ऊपर से चार रनों के लिए, लेकिन जो है फील्डर मौजूद था वहां पे और बहुत ही आसानी से कैच पकड़ लिया उसने। मजेदार यहाँ पे पांच रन बना के वापस जा रहे हैं ये पांच बॉलों में, 100 रन का स्ट्राइक रेट
ये सही रहा है यहाँ पे कप्तान कोलकाता नाइट राइडर्स के। तो एडम मिलने ने आती जो है यहाँ पे सफलता दिला दी है चेन्नई सुपर किंग्स को। और ये शॉट बहुत ही अच्छा है, गैप में मारा है लेकिन एक रन से ज्यादा जो है नहीं मिल पाएगा। दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे थे लेकिन फिर रोका अपने आप को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, और ये एज लगा लेकिन सीधा यहाँ पे फील्डर से दूर जाके बॉल गिरी। तो बहुत कुछ हो रहा है यहाँ पे एक साथ। इसी ओवर में वेंकटेश अय्यर का विकेट गिरा और यहाँ अजिंक्य रहाणे का जो है एज लगा है। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे लेकिन सीधा फील्डर के पास, फिर से जो है कोई रन नहीं मिलेगा। और अच्छी विकेट कीपिंग यहाँ पे, थ्रो खराब था लेकिन रोक लिया उसे। श्रेयस अय्यर जो है यहाँ पे दो बॉले खेल चुके हैं लेकिन अभी तक जो है कुछ खास जो है उन्हें यहाँ पे रन नहीं बना पाए हैं। बहुत ही अच्छा शॉट, ये गैप में है लेकिन सिंगल से ज्यादा कुछ मिल नहीं पाएगा। अच्छी गेंदबाजी एडम मिलने की पिछले ओवर में। दीपक चाहर जो है एक बार फिर से आ गए हैं। पहली बॉल तीसरे ओवर की और उठा के जो है बढ़िया शॉट खेल दिया यहाँ पे लॉग ऑफ के सर के ऊपर से। बॉल जा रही है बाउंड्री की तरफ और मुझे ही लगता है फील्डर रोक पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, चार रन का शानदार शॉट श्रेयस अय्यर की तरफ से दीपक चहर पे पूरा पूरा दबाव बनाते हुए। बॉल बहुत ही अच्छी थी नो डाउट लेकिन शॉट उससे भी कहीं ज्यादा अच्छा, शानदार शॉट यहाँ पे। अगली बॉल दीपक चहर एक बार फिर से श्रेयस अय्यर को, और ये जो है अच्छा शॉट यहाँ पे गैप में खेला है। दो रन जो है मेरे ख्याल से मिल जाएंगे यहाँ पे बहुत ही आराम से। नहीं, एक पे ही रोक दिया, अच्छी फील्डिंग। अब जो है यहाँ पे स्ट्राइक पे आ गए हैं अजिंक्य रहाणे, देखते हैं क्या होता है इस बॉल पे। बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, उठा के खेलना चाहते थे शॉट लेकिन जो है पहले बैट पे लगी बॉल फिर पैट पे, और एक रन से ही संतुष्ट होना पड़ेगा जिंके रहाणे को। अगली बॉल एक बार फिर से दीपक चहर श्रेयस अय्यर को, और ये क्या बीट किया है, बेहतरीन गेंदबाजी यहाँ पे। बाहर आती हुई गेंद थी, उठा के खेलना चाहते थे, इस पे भी अटैक करना चाहते थे लेकिन बढ़िया बात ये रही कि पूरी तरीके से बीट हो गए। बहुत ही बढ़िया शॉट खेला, ये स्लोअर वन थी, पढ़ लिया था उसे और यहाँ पे लेग साइड में जो है बढ़िया शॉट खेल दिया है चार रनों के लिए। तो थोड़ा महंगा ओवर जाता हुआ ये शॉट देखिए, बढ़िया यहाँ पे लाइन जो है बिगाड़ दी क्योंकि आपके लेग साइड में ज्यादा फील्डर नहीं है तो आपको देख के खेलना, देख के बॉल डालनी चाहिए कि लेग साइड में आपकी इतनी ज्यादा प्रोटेक्शन नहीं है, लेकिन गलती हो गई यहाँ पे दीपक चहर से। और ये जो है एज लगा और फर्स्ट स्लिप के बगल से जो है बॉल चली गई, एक रन मिल पाएगा इसमें भी। तो अच्छा ओवर रहा ये कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। एडम मिलने बॉल डालने आए हैं यहाँ पे और बहुत ही बढ़िया शॉट खेल दिया एक बार फिर से, पिछले ओवर का कॉपी पेस्ट शॉट लॉग ऑफ के सर के ऊपर से चार रनों के लिए। काफी अच्छा शॉट है ये श्रेयस अय्यर, यहाँ पे जो बॉल मिल रही है उसका पूरी तरीके से जो है फायदा उठा रहे हैं। और अब टाइम आ गया है कि श्रेयस अय्यर की जो है थोड़ा सा फील्ड में बदलाव कर लिया जाए, ऐसे तो यहाँ रन पड़ते ही रहेंगे। और थर्ड विकेट के फील्डर को अंदर लाना पड़ेगा। फील्ड में जो है बदलाव कर दिया गया है यहाँ पे, देखते हैं अब श्रेयस अय्यर के शॉट्स में क्या बदलाव आता है। और ये जो है क्या ये आउट हो जाएगा, जी हाँ दोस्तों कैच पकड़ लिया यहाँ पे, कैच तो पकड़ लिया यार, ये आउट को नहीं दे रहे। और यहाँ विकेट मिल गया दोस्तों श्रेयस अय्यर का, बहुत ही बढ़िया कैच यहाँ पे MS धोनी का, उड़ते हुए कैच पकड़ा। और एडम मिलने जो है यहाँ पे कमाल करे जा रहे हैं। अरे श्रेयस अय्यर एकदम आर पारी हो गए यहाँ पे अजिंक्य रहाणे के। जी नहीं दोस्तों,
रिव्यू नहीं लिया है। और ये शानदार कैच देखिए, एम एस धोनी का बढ़िया कैच, यहाँ पे उड़ते हुए हवा में जो कैच पकड़ा है एम एस धोनी ने, एकदम मजा ही आ गया देख के। कैच देखिए, अरे भाई साहब मजेदार कैच, यहाँ पे एम एस धोनी है ये, वैसे भी महेंद्र सिंह धोनी। शेष ये 10 बॉलों में 15 रन बना के कप्तान जो है कोलकाता नाइट राइडर्स के वापिस लौट रहे हैं पेविलियन। तीसरा रन आए हैं नेक्स्ट बल्लेबाज, और देखते हैं इसके लिए, इनके लिए जो है क्या है एडम मिलने के पास। और आते ही जो है बढ़िया शॉट खेल दिया उन्होंने 4 रनों के लिए, तो विकेट गिरे कुछ भी गिरे कुछ फर्क नहीं पड़ता यहाँ पे कोलकाता नाइट राइडर्स को, वो जो है अपनी अटैकिंग बल्लेबाजी जारी रखेंगे। ये इन्होंने दिखा दिया शॉट के साथ, शानदार शॉट ये, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे फॉलो थ्रू भी। एडम मिलने एक बार फिर से, और ये जो है बढ़िया शॉट खेला है, फील्डर नीचे मौजूद है और उन्होंने जो है कैच छोड़ दिया है, बहुत ही आसान से कैच था यहाँ पे लेकिन कैच छोड़ दिया उन्होंने, ये जो है मतलब ये एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। एक और विकेट यहाँ पे जो है किस्मत बदल सकता था यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के लिए। खराब फील्डिंग, बहुत ही ज्यादा खराब फील्डिंग। अगली गेंद स्ट्राइक पे जिंके रहने, बहुत ही अच्छी बॉल, कोई रन नहीं मिलेगा इस पे, एक और विकेट मिल जाता है इस ओवर में, मजा ही आ जाता है यार सही में। आखिरी गेंद चौथे ओवर की, स्लोअर वन से जो है खत्म करेंगे ओवर, 4 ओवर के बाद 28 पे 2 के यार। दीपक चार से एक और ओवर डलवाएंगे, पिछले ओवर में जो है काफी रन दे दिए थे इन्होंने, लेकिन एक और ओवर डलवाना चाहते हैं यहाँ पे कप्तान। और एज लग के जो है यहाँ पे बाउंड्री मिल जाएगी, ये जो है मतलब काफी खराब भाग्य है यहाँ पे दीपक चहर का, एज भी लगा इनसाइड एज भी लगा, ना विकेट पे लगी ना ही किसी फील्डर के पास गई, सीधा जो है 4 रनों के लिए चली गई। मेरे हिसाब से सेम चीज कंटिन्यू करनी चाहिए यहाँ भी, क्योंकि नीतीश राणा जो है अटैक करने को देख रहे हैं। और ये शॉट अच्छा, ये भी एज लगा है, क्या फील्डर पहुंच पाएंगे दोस्तों, नहीं एज लग के यहाँ पे 2-4 रन मिल गए हैं यहाँ पे। बैटिंग उतनी अच्छी हो नहीं रही है जितना किस्मत साथ दे रही है यहाँ पे, देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। और ये एक बार फिर से इनसाइड एज, लेकिन इस बार जो है फील्डर मौजूद थे, फील्डर के पास टाइम भी था और उन्होंने जो है पकड़ ली बॉल को, कोई रन नहीं आया। और एक बार फिर से क्या यहाँ पे विकेट मिल गया है, मेरे ख्याल से बॉल नीचे टिप्पा खा गई थी, कोई नहीं कोई नहीं, अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे, 2 चौके खाने के बाद जो है अच्छा यहाँ पे कमबैक दीपक चाहर का, और यही बॉल डालती रहनी पड़ेगी क्योंकि एज निकला है इस बॉल से नीतीश रायना का। एक बार फिर से कैरी नहीं हुई, फर्स्ट स्लिप पे एज पे एज आए जा रहे हैं लेकिन विकेट नहीं मिल रहा है देखिए। और दीपक चाहर की तारीफ करनी पड़ेगी, उन्होंने अपनी लाइन लेंथ अभी भी एकदम सेम रखी है, और ये जो है एक बार फिर से बढ़िया गेंदबाजी। तो 5 ओवर समाप्त, 36 2 विकेट के नुकसान पे कोलकाता नाइट राइडर्स। एडम मिलने जो है तीसरा ओवर डालने आएंगे यहाँ पे, अभी तक 2 विकेट ले चुके हैं और काफी बढ़िया साबित हुए हैं। ये जो है बेहतरीन शॉट खेला है, फील्डर से काफी दूर, 4 रन मिल जाएंगे यहाँ पे आराम से अजिंक्य रहाणे को। अभी तक जो है हाथ खोलने का मौका मिला नहीं था इन्हें ज्यादा, लेकिन अब जो है बहुत ही बढ़िया शॉट खेला है इन्होंने। काफी बाहर गेम की जाती हुई, तो मतलब गेम थोड़ी सी खराब थी है, इसलिए जो है आराम से जो है हाथ खोलने का मौका मिला। और ये अच्छा शॉट, लेकिन ये भी गैप में है, क्या बाउंड्री तक बॉल पहुंचेगी ऐसा लग नहीं रहा क्योंकि शॉट में उतनी जान है नहीं, लेकिन 2 रन लेने का मौका मिल जाएगा तब तक। अगली गेंद एडम मिलने, 2 विकेट ले चुके हैं, तीसरा भी मिल जाता है लेकिन वहां पे कैच छूट गई। और यहाँ पे एक अच्छा शॉट, सिंगल मिलेगा या डबल, सिंगल ही मिलेगा उससे ज्यादा नहीं।
30 रन आ गए हैं इस बार स्ट्राइक पे। पिछले ओवर में काफी जो है दिल की धड़कने बना ली थी उन्होंने कोलकाता नाइट राइडर्स के फैंस की, और एक बार फिर से एज लगा है। नीतीश राणा जो है यहाँ पे बल्ले पे बॉल लगा ही नहीं पा रहे हैं, एज ही एज लगे जा रहे हैं उनके। तो काफी बेहतरीन गेंदबाजी होती हुई यहाँ पे कोलकाता, एक बार फिर से यहाँ पे इनसाइड एज लगा नीतीश राणा का और बच गए। यहाँ पे क्विक सिंगल निकाल लिया दोनों ही प्लेयर्स ने। सीएसके की तरफ से जो है एडम मिलने और दीपक चाहर ने काफी अच्छी गेंदबाजी करी है, एडम मिलने को सफलता भी मिली है। लेकिन यहाँ पे एक और अच्छा शॉट, बाउंड्री तक जो है मुझे लगता है बॉल नहीं पहुंचेगी, लेकिन दो रन लेने का पावर प्ले खत्म। 46 रन बनाए कोलकाता नाइट राइडर्स ने दो विकेट के नुकसान पे। काफी अच्छी बॉलिंग मेरे हिसाब से तो ये यहाँ पे जो हुई है सीएसके की तरफ से पावर प्ले में। रविंद्र जडेजा को जो है लाया जाएगा अब कप्तान के द्वारा, और अब उम्मीद करी जाएगी कि ये जो है थोड़े विकेट दिलाएं। बदलाव करा जा रहा है यहाँ पे, तो एक बढ़िया सी फील्ड लगाई जाएगी ताकि मतलब बिल्कुल भी जो है दिक्कत का सामना ना करना पड़े। ऑफ साइड के यार अपनी प्रोटेक्शन दिख नहीं रही है, दिक्कत करेगी बाद में। ये जी ठीक है, ये लगाते हैं और फिर देखते हैं क्या होता है। तीसरा ना पहली बॉल रविंद्र जडेजा और अच्छा शॉट यहाँ पे लॉन्ग ऑन की दिशा में जो है पुश कर दिया है। दो रन के लिए जा रहे थे लेकिन फिर एक के लिए रुक गए। रविंद्र जडेजा ने साइड बल्टी यहाँ पे अपनी, बहुत ही बढ़िया बॉलिंग है यहाँ पे। सिंगल मिलेगा या डबल देख रहे हैं, दो रन के लिए आ तो रहे हैं लेकिन नहीं, एक से संतुष्ट रहना पड़ेगा। प्रेशर बना के रखना पड़ेगा यहाँ पे सीएसके को, विकेट निकालते रहने पड़ेंगे वरना जो है काफी बड़ा स्कोर खड़ा कर देगी यहाँ पे केकेआर यहाँ से भी। और बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, मजेदार एकदम। अरे पकड़ ले भाई, हाँ बढ़िया गेंदबाजी होती हुई अभी तक यहाँ पे रविंद्र जडेजा की तरफ से। तीन बॉलों में सिर्फ दो रन दिए हैं, कोई भी जो है बढ़िया बड़ा शॉट खेलने का मौका नहीं दिया है, और इसमें भी टाइमिंग इतनी अच्छी नहीं थी। क्या ये विकेट हो जाएगा यहाँ पे? नहीं दोस्तों, दो रन लेने का मौका मिल गया, ना खुश नहीं होंगे इससे लेके रविंद्र जडेजा। बढ़िया शॉट, क्या यहाँ पे दो रन मिल जाएंगे? जल्दी आ भाई, जल्दी आ, जल्दी जल्दी जल्दी, हाँ आराम से आते हैं ऐसे, मतलब गार्डन में टहल रहे हो। आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया ओवर घटा अभी तक तो। एक बार फिर से उठा के खेलना चाहते थे लेकिन सीधा फील्डर के पास बॉल, बढ़िया ओवर ये, सिर्फ 4 रन आए इससे। मोइन अली जो है दूसरी तरफ से कंटिन्यू करेंगे। चेंज ऑफ बॉलिंग, द कैप्टन इज गोइंग विद द स्पिनर। देखते हैं क्या यहाँ पे प्रेशर बना पाते हैं नीतीश राणा पे। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, बढ़िया गेंदबाजी, बिल्कुल भी टाइम नहीं कर पाए यहाँ पे नीतीश राणा। 15 बॉले खेल चुके हैं, 18 रन बनाए अभी तक उन्होंने, और मोइन अली ने जो है यहाँ पे साइड बदल ली है। देखते हैं इससे क्या फर्क पड़ता है। बढ़िया शॉट ये, एक रन मिलेगा अगर फील्डर जो है यहाँ पे सही से दौड़ के आ जाएगा। दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे थे लेकिन नहीं दौड़े थे। मोइन अली इस बार अजिंक्य रहाणे को, बढ़िया शॉट ये, कैप में खेला है, दो रन मिल जाएंगे मेरे हिसाब से, ज्यादा से ज्यादा, उससे ज्यादा जो है कुछ लग नहीं रहा है यहाँ पे। अजिंक्य रहाणे 15 पे पहुंच गए 14 बॉलों पे, ये जो है मतलब मुझे ऐसा लग रहा है कि तूफान से पहले की खामोशी है।
क्योंकि एक बार जो है सेटल हो गए ये दोनों, फिर जो है ये बड़े बड़े शॉट्स खेलने की काबिलियत रखते हैं। तो चेन्नई सुपर किंग्स को जो है यहाँ पे विकेट निकालना बहुत जरूरी है, खासकर अभी शॉर्ट टर्म में, कम से कम इन दोनों में से किसी एक बैट्समैन का तो बहुत जरूरी है। देखिए जैसा कि मैंने कहा था कि अगर ये सेटल हो गए तो यहाँ पे बड़े रन मार सकते हैं, तो एक चौका मार दिया यहाँ पे अजिंक्य रहाणे ने, बहुत ही शानदार शॉट, बढ़िया शॉट खेला यहाँ पे। ये देखिए फ्लैट ही डिलीवरी थी, रूम दिया मोइन अली ने और उसको जो है बाउंड्री तक पहुंचाने में कोई हिचकिचाहट नहीं दिखाई अजिंक्य रहाणे ने। ये अच्छा शॉट, लेकिन कोई रन नहीं मिलेगा इस पे। अजिंक्य रहाणे एक बार फिर से नीतीश राणा को, बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे बीट किया एक बार फिर से नीतीश राणा, जो है आज इतने बढ़िया टच में दिख नहीं रहे हैं, इतने अच्छे से रन भी नहीं मार पा रहे अभी तक, तो बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे अभी तक। बढ़िया एक और गेंद यहाँ पे फिर से बीट हुए, उठा के लॉफ्टेड शॉट खेलना चाहते थे। और महेंद्र सिंह धोनी फुटबॉल क्यों खेल रहे हैं यहाँ पे, बॉल के साथ फुटबॉल नहीं खेल रहा है, फुटबॉल बाद में खेलेंगे, अभी क्रिकेट खेल लो। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, रविंद्र जडेजा जो है बिल्कुल ही परेशान करके रखा हुआ है यहाँ पे नीतीश राणा को, एकदम सटीक गेंदबाजी, फिर से जो है कोई रन लेने का मौका नहीं, चार लगातार डॉट बॉले हो चुकी है और ये मैं T20 की बात कर रहा हूँ, तो प्रेशर जो है अपनी चरम सीमा पे है, देखते हैं अब क्या होता है। और पांचवी गेंद, क्या मिडन ओवर निकल जाएगा यहाँ पे, देखने वाली बात होगी, रविंद्र जडेजा क्या ये कारनामा कर सकते हैं, मिडन ओवर निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल दिया है उन्होंने। और बेहतरीन यहाँ पे गेंदबाजी रविंद्र जडेजा की तरफ से, T20 में जो है मिडन ओवर निकाल दिया है यहाँ पे रविंद्र जडेजा ने, शानदार गेंदबाजी नो डाउट। मोइन अली एक बार फिर से बेहतरीन शॉट, ये गैप में भी है, क्या बॉल बाउंड्री तक जाएगी, जी हाँ दोस्तों बॉल जो है बाउंड तक चलेगी और चार रन मिल गए यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को। पिछला ओवर मिडन निकाला था लेकिन इस बार जो है पहली ही बॉल पे जो है यहाँ पे चार रन मार दिए अजिंक्य रहाणे ने, और अब जो है ये दो रन की मांग करी है यहाँ पे, फील्डर जब तक आएंगे सब तक शायद हो भी जाएंगे, नहीं दोस्तों एक पे सेटल कर लिया। नीतीश राणा को बॉल डालेंगे, पिछला पूरा ओवर जो है मिडन निकाला था इन्होंने, देखते हैं इस ओवर में क्या होता है, इस ओवर में जो है सिंगल मिल जाएगा आराम से। छह रन आ चुके हैं तीन बॉलों में इस ओवर में ऑलरेडी, स्ट्राइक पे जो है यहाँ पे है अजिंक्य रहाणे, देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बढ़िया शॉट एक बार फिर से खेल दिया है, क्या फील्डर के पास बॉल चली जाएगी, जी नहीं दोस्तों चार रन के लिए चली जाएगी बॉल। तो पिछले ओवर की पूरी भरपाई करते हुए यहाँ पे अजिंक्य रहाणे और मोइन अली को जो है यहाँ पे थोड़ा सा ढंग से बॉल डालनी चाहिए, क्योंकि वहाँ जो है गैप है और आप जो है एकदम उसी लेंथ पे बॉल दिए जा रहे हैं जहाँ पे वो उस गैप को एक्सप्लॉइट कर सके। ये बढ़िया बॉलिंग, ये काफी सुधार आया इस बॉल में, अच्छा कमबैक मोइन अली की तरफ से। 10 रन आ चुके हैं इस ओवर में ऑलरेडी, देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या होता है। बढ़िया बॉल, तो दो डॉट बॉल से ओवर खत्म करेंगे, विकेट निकालना बहुत जरूरी यहाँ पे, ऐसे जो है काम चलेगा नहीं। ड्वेन ब्रावो और तुषार देश पांडे, ड्वेन ब्रावो से बॉल डलाते हैं, बॉलिंग में बदलाव कर दिया गया है यहाँ पे। यहाँ पे जो है बॉलिंग में बदलाव, नीतीश राणा जो है फेस करेंगे ड्वेन ब्रावो को। बढ़िया एज लगा यहाँ पे और एज ही लगे जा रहे हैं नीतीश राणा के तब से, लेकिन जो चौका मिल गया है वो जो है CSK को बहुत ज्यादा चुभेगा। अच्छी बॉल थी, बहुत ही अच्छी बॉल थी, एज भी निकला, लेकिन यहाँ पे किस्मत इतना साथ दे रही है नीतीश राणा का आज कि क्या ही बात, क्या ही बोले। एक बार फिर से एज लगा लेकिन इस बार जो है फील्डर के पास टाइम था पहुंचने का। ब्रावो एक चौका खा चुके हैं, फिर एक डॉट बॉल, इस बॉल पे क्या होने वाला है,
ये भी डॉट बॉल और बढ़िया डाइव मार के यहाँ पे जो है बॉल को रोका, बढ़िया फील्डिंग, अच्छी गेंदबाजी हो रही है यहाँ पे ड्वेन ब्रावो की तरफ से। चौका मारने के बाद दो डॉट बॉल निकाली यहाँ पे, और ये जो है पैड पे बॉल लगी है, मेरे हिसाब से लेग स्टंप से बहुत ज्यादा बाहर है, तो यहाँ पे अपील करने का जरूरी तो थी अपील प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन विकेट नहीं मिलेगा उसमें, ये तो शायद ड्वेन ब्रावो खुद भी जानती थी। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे नीतीश राणा जो है, ऐसा लग रहा है चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेल रहे हैं, जैसे आपसे डॉट पे डॉट बॉल निकाले जा रहे हैं। आखिरी गेंद इस ओवर की, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे, पहली बॉल पे चौक और फिर पांच डॉट बॉले, किस हिसाब से खेल हो रहा है ये समझ नहीं आ रहा है मुझे भी, या तो बॉलिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो रही है या फिर कुछ और ही झोल है। तुषार देशपांडे को लेके आए कप्तान अब यहाँ पे। The captain is going with the medium pacer. पहली बॉल जो है देखते हैं क्या कमाल करते हैं वो। बहुत ही बढ़िया शॉट, ये फील्डर मौजूद है वहां पे, एक रन से ज्यादा नहीं मिल पाएगा जिनके रहने को। पचास रन की पार्टनरशिप हो गई है दोनों ही बैट्समैन के बीच में, इतनी घातक पार्टनरशिप तो नहीं है, मतलब सीएसके को इतना फर्क नहीं पड़ेगा इस पार्टनरशिप से, क्योंकि काफी समय, और ये बढ़िया बॉलिंग यहाँ पे, बढ़िया बीट किया नीतीश राणा जो है यहाँ पे, बिल्कुल भी जो है एकदम अच्छे फॉर्म में नहीं दिखते हुए, स्लोअर बॉल को पढ़ नहीं पा रहे हैं, और यहाँ पे बोल्ड कर दिया है तुषार पांडे ने, तुषार देशपांडे ने, नाम ही चेंज कर दिया मैंने, बेहतरीन गेंद यहाँ पे, स्लोअर वन थी, ऑफ साइड में जो है खेलना चाहते थे उसे, और क्लीन बोल्ड कर दिया यहाँ पे तुषार देश पांडे ने, तो बढ़िया होता हुआ ये मैच। नीतीश राणा जो है 31 बॉल खेल गए सिर्फ अपने 24 रनों के लिए, तो ये पारी तो ऐसी थी कि मतलब सीएसके जो है आउट करना चाहती नहीं होगी। अब जो है आए हैं एंड्रे रसल स्ट्राइक पे, क्या होता है, आती जो है बढ़िया शॉट खेल दिया इन्होंने गैप में, बॉल जो है बाउंड्री की तरफ जा रही है, तो पहली बॉल पे चौका मार के जो है इन्होंने दिखा दिया है कि यहाँ जो है झुक के नहीं खेलने वाले हैं, एंड्रे रसल नहीं झुकेगा, आती चौका, शानदार गेंद बल्लेबाजी यहाँ पर, देखते हैं अगली बॉल पे क्या होता है। बढ़िया शॉट खेला यहाँ पे, और एक और कैच छोड़ दिया यहाँ पे, यार विकेट मिल जाता है एंड्रे रसल का इतनी जल्दी, छी यार छी, फिर से एक और गलती, आसान सा कैच था यहाँ पे और छोड़ दिया, एक और विकेट मिल जाता है यहाँ पे तुषार देशपांडे को, बढ़िया गेंदबाजी करी है अभी तक इन्होंने, अच्छी गेंद, सिंगल डबल सिंगल 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 सिंगल, तो 12 ओवर समाप्त 80-3 के क्या। दूसरी तरफ से ड्वेन ब्रावो जो है कंटिन्यू करेंगे स्ट्राइक पे, एंड रसल 3 बॉलों में 7 पे पहुंच गए हैं, बढ़िया गेंद बीट किया यहाँ पे एंड रसल को, बहुत ही बढ़िया गेंदबाजी, अगली गेंद देखते हैं क्या होता है। बहुत ही बढ़िया गेंद यहाँ पे, मौका है एक और विकेट निकालने का, और यहाँ पे कैच छोड़ दिया है महेंद्र सिंह धोनी ने, कैच छोड़ दिया यार, कैच तो पकड़ लिया था यार, क्या मजाक कर रहा हूँ यार मैं, 2 बार ही आउट हो जाता है एंड्रे रसल, हद कर दी यार हद, छी, बहुत ही बढ़िया यहाँ पे ढकेला है अजिंक्य रहाणे, अभी भी जो है यहाँ पे पूरे मूड में लग रहे हैं कि मैच को जो है अंत तक लेके जाने चाहते हैं वो, यहाँ पे जो है जो दो जो यहाँ पे खराब
मिसफील्ड हुई है यहाँ पे और एंड रसल की ये बाद में जो है शायद बहुत दिक्कत करे। क्या ये आउट है? मुझे नहीं लगता, लेग साइड से जो है बाहर जा रही थी बॉल। अजिंक्य रहाणे जो है अब स्ट्राइक पे आ जाते हैं, इसी के साथ एक सिंगल निकाल लिया था उस लेग बाय के, बढ़िया एज लगा और यहाँ पे अजिंक्य रहाणे को चौका मिल जाएगा। एक आधे से ज्यादा रन तो यहाँ कोलकाता नाइट राइडर्स के एज लग के आए हैं किस्मत के सहारे। आखिरी गेंद इस ओवर की, थोड़ा महंगा ओवर साबित हुआ लेकिन एक चांस क्रिएट करा था जिसमें जो है, और एक और कैच छोड़ दिया है। अरे क्या मजाक चल रहा है यार, हद हो गई है यार। तुषार देशपांडे आए हैं यहाँ पे बॉल डालने हैं और यहाँ पे सीएसके जो है बहुत हल्के में ले लिया ये मैच लगता है। एक के बाद एक जो है यहाँ पे कैच छोड़े जा रहे हैं। विकेट कीपर के एंड पे थ्रो करना चाहिए था, शायद विकेट मिल जाता। काफी खराब फील्डिंग यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से। अच्छा शॉट है, ये गैप में है और जब तक फील्डर पहुंचेंगे आराम से जो है दो रन लेने का मौका मिल जाएगा। ये जो है यहाँ पे दिक्कत हो रही है और यहाँ पे विकेट मिल गया शायद। एक दोनों ही बैट्समैन जो थे वो एकदम दो माइंड्स में थे कि भागे कि नहीं भागे और यहाँ पे विकेट मिल गया है और अजिंक्य रहाणे का विकेट मिल गया जो पिछले ओवर में कैच छूटा था। तो अच्छा है कि वो जो है ज्यादा यहाँ पे नुकसान नहीं कर पाए चेन्नई सुपर किंग्स का, कैच छूटा लेकिन यहाँ पे रन आउट से जो है विकेट मिल गया। तो अच्छी पारी यहाँ पे अजिंक्य रहाणे की तरफ से, 39 रन बनाए 29 गेंदों में। सैम बेलिंग्स आए हैं यहाँ पे राइट हैंड बैट्समैन, बढ़िया गेंदबाजी हो रही है अभी तक यहाँ पे। फील्डिंग भी अगर बढ़िया हो जाए तो मैच जो है कुछ बचेगा ही नहीं और ये लेग्स बाय जो है दौड़ के जाना पड़ेगा दोस्त आपी को। दो रन दे दिए यहाँ पे लेग बाय के, गिर के हैं जो मतलब महेंद्र सिंह धोनी लेट ही गए वहां पे थोड़ी देर के लिए कि थोड़ा आराम कर लेता हूँ फिर दौड़ूंगा। ना ना चैलेंज लेने लायक तो नहीं है, लेग स्टंप से बाहर ही जा रही थी वैसे। स्लोअर बॉल का जो है यहाँ पे बहुत अच्छा इस्तेमाल हो रहा है। ये जो है एक और कैच का मौका आया है, देखते हैं क्या होता है इस पे भी। एक और कैच छोड़ दिया यहाँ पे, मजाक हो रहा है सही में। इतनी खराब फील्डिंग जो है क्या ही बोले, मौके बन रहे हैं और मौके छोड़ दिए जा रहे हैं, बताओ। बहुत ही खराब फील्डिंग यहाँ पे, ये देखिए आराम से हाथ में कैच था, खड़े हुए थे और ये देखो लड्डू की तरह चटका दिया। ये शॉट अच्छा है, गैप में भी है, आराम से जो है दो रन मिल जाएंगे। इस ओवर में एक और विकेट गिर सकता था सोचिए आप, पर यहाँ सिर्फ और सिर्फ जो है बढ़िया शॉट है, ये फील्डर मौजूद है वहां पे, एक ही रन मिलेगा लेकिन 14 ओवर के बाद 99 पे 4 के किया। ड्वेन ब्रावो बॉल डालेंगे यहाँ पे, एज लगा और बॉल जो है बाउंड्री की तरफ जा रही है लेकिन मुझे नहीं लगता इतनी जान है शॉट में तो दो रन से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे और 100 रन पूरी होगी इसके साथ केकेआर के। स्ट्राइक पे है सैम बिलिंग्स, दोनों ही जो बैट्समैन अभी तक एक एक बारी आउट हो चुके हैं बट कैच पकड़ा ही नहीं सीएसके ने तो क्या करें। चार कैच छोड़े हैं सीएसके ने अभी तक यहाँ पे आज, बहुत ही शर्मनाक फील्डिंग मेरे हिसाब से। चार कैच बहुत होते हैं यार, मतलब अभी तक तो मैच खत्म हो जाता, टारगेट में डिफरेंस आप बना देंगे ये चार कैच जो है।
जहाँ 130 135 तक पहुंच जाएगी KKR, वहां शायद जो है 115 120 पे ही जो है निपट जाती। यहाँ पे काफी खराब फील्डिंग, दो रन मिलेंगे क्या यहाँ पे? जी हाँ, दूसरे के लिए जा रहे हैं और आराम से पूरा भी कर लेंगे। तो अच्छी गेंदबाजी हुई है वैसे यहाँ पे, नो डाउट। अगर 15 ओवर चल रहा है और मुश्किल से जो है 100 रन बना पाई है यहाँ पे KKR, तो गेंदबाजी की जो बात करी जाए तो स्लोअर बॉल का बहुत ही बढ़िया इस्तेमाल किया है। और 7 के करीब का जो है रन रेट अभी जुटा पाई है KKR, तो मतलब 7 के करीब का तो मतलब अभी कोई रन रेट थोड़ी होता। एक बार फिर से जो है 2 रन मिलेंगे यहाँ पे, दूसरे के लिए जा रहे हैं, नहीं एक से ही संतुष्ट होना पड़ेगा। अच्छा ओवर ये भी 105 पे 4। तीसरा ओवर डालने आ गए यहाँ पे तुषार देशपांडे अपना, और ये जो है अच्छा शॉट खेला है, गैप में बॉल जा रही है लेकिन 2 रन से ज्यादा नहीं मिल पाएंगे। एक बार फिर से एंड रसल 9 बॉलों में 13 पे खेल रहे हैं, 2 बार कैच छूट चुका है एंड क्वालिटी, और ये जो है हवा में मारने की कोशिश थी एक और, लेकिन जो है टाइम नहीं कर पाया जिसके कारण जो है सिंगल मिलेगा बस। काफी अच्छी गेंदबाजी हुई है यहाँ पे, 16वां ओवर चल रहा है अभी तक, सिर्फ जो है KKR 108 रन ही बना पाई है। तो कोई दो राय नहीं है कि बैटिंग जो है काफी साधारण हुई है, लेकिन साथ ही साथ बॉलिंग की भी बात करी जाए तो काफी अच्छी बॉलिंग हुई है, लेकिन बॉलिंग पे अगर जो है फील्डिंग भी अच्छी हो जाती साथ में CSK की तो 4 चांद लग जाते हैं। ये बढ़िया शॉट है और ये जो है चौका मिल जाएगा बहुत ही आराम से, कुछ नहीं कर सकते इसमें फील्डर। सैम बिलिंग्स की तरफ से ये शानदार चौका आता हुआ ड्वेन ब्रावो की, सॉरी तुषार देशपांडे की बॉल पे, बहुत ही बढ़िया शॉट, चेंज करने पे मजबूर कर दिया यहाँ पे। ये भी अच्छा शॉट है लेकिन ये जो है सीधा फील्डर के पास जाएगा जिससे कोई रन नहीं मिलेगा। अरे क्या कर रहे हो? महेंद्र सिंह धोनी का लगता है आज फुटबॉल खेलने का मन हो रखा है, बार बार फुटबॉल खेले जा रहे हैं बॉल के साथ। अच्छी बॉल एक बार फिर से, 2 रन आराम से मिल जाएंगे। थोड़ा सा महंगा ओवर ये CSK के लिए, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स बहुत ज्यादा खुश होगी इससे। रविंद्र जडेजा को जो है यहाँ पे लेके आ रहे हैं कप्तान। चेंज ऑफ बॉलिंग, द कैप्टन इज गोइंग विद द स्पिनर। स्ट्राइक पे है यहाँ पे एंड एडरसन, देखते हैं क्या होता है। कुछ नहीं हुआ यहाँ पे, बढ़िया गेंदबाजी, यही चाहिए यहाँ पे कि एक जो ओवर है यहाँ पे थोड़ा सा अच्छा मिल जाए। और ये जो है वो एज लग के जो है बॉल कहीं और निकल गई, फिर से जो है 2 रन मिल जाएंगे मेरे ख्याल से। ये 116 रनों में से करीब करीब 60 रन तो जो है यहाँ पे एज के कारण ही लग गए होंगे KKR के। इतने एज आए हैं यार, जितने एज आए हैं कुछ कहने की हद नहीं। बोल्ड, क्या ये बोल्ड है, क्या यहाँ पे विकेट मिला है, लेग साइड से बीट हो रहा होगा मेरे ख्याल से, इसलिए मैं रिव्यू भी नहीं लूंगा। एक ही रिव्यू है, अभी भी 3.5 ओवर रह गए हैं, क्या पता बाद में काम आ जाए। ये शॉट अच्छा है लेकिन सीधा फील्डर के पास जाएगा तो एक ही रन मिलेगा बस। टारगेट यहाँ से क्या देख रहे हैं आप? मतलब मेरे हिसाब से कोलकाता नाइट राइडर्स को कोशिश करनी चाहिए कि 150 तक पहुंचे कम से कम, लेकिन अगर ऐसे ही खेलते रहे तो मतलब 130 भी जो है मुश्किल है। बढ़िया थ्रो सीधा विकेट पे, आखिरी गेंद यहाँ पे इस ओवर की, अच्छा ओवर निकाला है रविंद्र जडेजा ने, बड़ा शॉट खेलना चाहते लेकिन सीधा फील्डर के पास।
वेन ब्रावो को लेके आए हैं कप्तान यहाँ पे। चेंज ऑफ बॉलिंग, द मीडियम पेसर इज कमिंग इनटू द अटैक। तीन ओवर में सिर्फ और सिर्फ 70 रन दिए हैं अभी तक, विकेट भी मिल जाता है इन्हें, लेकिन कैच इतने छोड़े हैं आज यहाँ पे सीएसके ने कि क्या बोले। सैम बिलिंग्स और एंड एरिसन एक बार फिर से एज लगा और रन नहीं मिलेगा, लेकिन इस पे बढ़िया बात ये। ड्वेन ब्रावो एक बार फिर से सैम बिलिंग्स को शॉट, अच्छा ये हवा में थी थोड़ी देर के लिए बॉल, लेकिन कोई फील्डर वहां पे मौजूद नहीं था इसलिए जो है कोई नुकसान नहीं। और यहाँ थ्रो बहुत बढ़िया बढ़िया आ रहे हैं, यहाँ पे डायरेक्ट जो है विकेट पे मार रहे हैं, तो थ्रो के मामले में तो थोड़ा सुधार किया। अब अगर कैच पे चाहता तो कैच ही पकड़ लेना यार, थोड़ा बॉलर का भी मोटिवेशन बढ़ जाता है। यहाँ पे जो है बिल्कुल ही मतलब जो है यहाँ पे शॉट नहीं लगा पा रहे केकेआर के बैट्समैन, बॉल इतनी स्लो आ रही है, इतनी स्लो आ रही है कि आप चाह के भी जो है यहाँ पे शॉट नहीं लगा पा रहे। एक बार फिर से एज लगा, कोशिश पूरी कर रहे हैं यहाँ पे बल्लेबाज, लेकिन टाइम नहीं कर पा रहे हैं, और ये क्यों नहीं कर पा रहे हैं बिल्कुल समझ नहीं आ रहा मुझे। अच्छा शॉट, ये क्या 4 रन मिलेंगे इसमें? जी नहीं दोस्तों, फील्डिंग वहां पे अच्छी होती भी 2 रन भी रोकेंगे। अठारहवा ओवर है, 19वा ओवर है, किसे डलवाया रहा है? दीपक चाहर जो है 25 रन दिए थे, एडम मिलने से आखिरी ओवर डलवाएंगे, ये देश पांडे से डलवाते हैं, देश पांडे जो 27 रन दे चुका है, ठीक है फिर इन्हीं से रविंद्र जडेजा से डलवाते हैं। बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद, बढ़िया शुरुआत यहाँ पे, एक ऐसा ही ओवर चाहिए। 19वां ओवर में अगर जो है अच्छे खासे रन ना आए तो मतलब यहाँ पे एक तो मानसिक दबाव तो बनता ही है 20वें ओवर के लिए, साथ ही जो है यहाँ पे बॉलिंग टीम को जो फायदा होता है उसका तो मतलब क्या ही बोले। अरे यार गार्डन में दौड़ने आए हो क्या? कैसे दौड़ते हैं एकदम ऐसे, मतलब हद मचा रखी है। ये शॉट अच्छा गैप में भी है और मुझे लगता है चौका मिल जाएगा इस पे। जी हाँ दोस्तों, बेहतरीन शॉट यहाँ पे एंडे रसल की तरफ से। बेहतरीन शॉट ये देखिए, अगली गेंद एक बार फिर से एज लगा, उठा के जो है बड़ा शॉट खेलना चाहते थे, लेकिन बढ़िया बात ये सीएसके के लिए एज लग के चौके के लिए निकला। बढ़िया गेंदबाजी, बढ़िया गेंदबाजी, चौका खाने के बाद जो है यहाँ पे अच्छा कमबैक। मतलब 6 विकेट पड़े थे लेकिन यहाँ मारने की कोशिश भी करी लेकिन शॉट जो है लगे नहीं है बिल्कुल भी। देखिए आखिरी ओवर जो है एडम मिलने डालेंगे, बहुत ही बढ़िया फिगर्स रहे हैं आज इनके। क्या टारगेट देख रहे हैं? मेरे को तो लगता है 140। बढ़िया एज लग के चौका लग गया यार, यहाँ पे हद है यार, मतलब किस्मत इतनी भी खराब हो सकती है क्या? अगली बॉल एडम मिलने, ये जो है शानदार शॉट खेल दिया है और चौका मिल जाएगा इस पे। तो आखिरी ओवर पे जो है पूरी तरीके से प्रहार कर रहे हैं सैम बिलिंग्स, 50 रन की पार्टनरशिप टूट जाती है इसी के साथ। बढ़िया शॉट था ये देखिए, एक बार फिर से एडम मिलने, ये शॉट भी अच्छा खेला है, गैप में बॉल जा रही है, क्या एक और चौका मिल जाएगा? जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे जो आखिरी ओवर में पूरी तरीके से जो है कंपनसेट कर रहे हैं पिछले ओवर में रन ना मारने का खामियाजा। क्या बोल रहा हूँ मैं, खामियाजा कहाँ से आ गया, कुछ भी मतलब कुछ भी बोले जा रहा हूँ। ये अच्छी बॉल,
ये अच्छी गेंद यहाँ पे से एडम विल ने 2 विकेट लिए थे यहाँ पे पावर प्ले में उन्होंने, और काफी जो है अच्छी शुरुआत दिलाई थी सीएसके को। ये एक और अच्छा शॉट, 1 रन ले लिया है, दूसरे के लिए जाएंगे जी नहीं दोस्तों, 1 रन पे संतुष्ट हो जाएंगे। आखिरी गेंद केकेआर की इनिंग्स की, क्या टारगेट यहाँ पे, क्या लगता है चौका पड़ेगा छक्का पड़ेगा? और यहाँ पे चौके के लिए बॉल तो शायद नहीं पहुंचेगी, लेकिन हाँ 2 रन तो मिल जाएंगे। तीसरे के लिए दौड़ना चाहते हैं जी नहीं, नहीं दौड़ेंगे। तो 150 का टारगेट है एग्जैक्ट यहाँ पे सीएसके को। अच्छी गेंदबाजी यहाँ पे बॉलिंग लेके जो है बढ़िया प्रदर्शन सीएसके का। ऋतुराज गायकवाड़ और डेवन कॉनवे जो है यहाँ पे आएंगे बैटिंग करने, 150 का टारगेट है, सूझबूझ के साथ खेलेंगे तो बहुत आराम से जो है मैच जीत जाएंगे ये वाला। पैट कमिंस जो है शुरुआत करेंगे केकेआर के लिए। पहली गेंद पैट कमिंस ऋतुराज गायकवाड़ स्ट्राइक पे, अच्छा शॉट, ये पहली बॉल पे जो है यहाँ पे एक क्विक सिंगल लिया है, आती जो है पहली बॉल से जो है रनों की रफ्तार जो है बढ़ाने में दिख रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज। पैट कमिंस डेवन कॉनवे को अब फील्ड में बदलाव कर दिया गया है लेफ्ट हैंडर के लिए, देखते हैं क्या होता है। ये अच्छा शॉट खेला है, गैप में खेला है, 2 रन के लिए जा रहे हैं यहाँ पे, रिस्की हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट हुई तो, लेकिन पहुंच गए टाइम पे, डायरेक्ट हिट तो हुई थी लेकिन टाइम पे पहुंच गए इसलिए बच गए। 2 रन से शुरुआत करिए, यहाँ पे खाता खोला है डेवन कॉनवे ने, रिस्क लेना नहीं चाह रहे अभी। पैट कमिंस हैं, बॉलिंग बहुत ही बढ़िया हो रही है, और ये अच्छा शॉट, क्या 2 रन मिल पाएंगे इसमें? तो बहुत ही आराम से मिल जाएंगे, क्या 4 रन भी मिल जाएंगे? बॉल जो है बाउंड्री तक जा रही है, नहीं दोस्तों इतना जान नहीं है शॉट में, 3 रन मिलेंगे बहुत आराम से। बढ़िया शॉट डेवन कॉनवे का, यहाँ पे रिस्क नहीं ले रहे हैं दोनों बल्लेबाज, ये जो है मुझे देख के बहुत ही अच्छा लगा। और ये शॉट है जो बहुत ही बढ़िया है, और वो जो है चौका दिला देगा ऋतुराज गायकवाड़ को। शानदार शॉट ये कवर्स के ऊपर से 4 रनों के लिए, बेहतरीन, मजा आ गया देख के। 10 रन बन चुके हैं ऑलरेडी यहाँ पे चेन्नई सुपर किंग्स के, 4 बॉले हुई और अभी तक बस। अगली गेंद पैट कमिंस, ये शॉट भी अच्छा, और यहाँ पे जो है तेजी से दौड़ना पड़ेगा, जी हाँ पहुंच गए टाइम पे। डेविन कॉनवे आ गए फिर से स्ट्राइक पे, देखते हैं इस बार क्या देखने को मिलता है। ये शॉट अच्छा, लेकिन ये रिस्की हो सकता है, डाइव मारिए और बच गए यहाँ पे। 2 रन आए पहले ओवर से, बहुत ही अच्छी शुरुआत सीएसके की यहाँ पे भी। ये जो है यहाँ पे बहुत ही जल्दी खेल बैठे शॉट, इस कारण से जो है कुछ खास रन मिले नहीं। उमेश यादव बॉल डालेंगे ऋतुराज गायकवाड़ को, अच्छी शुरुआत मिल गई है सीएसके को यहाँ पे ऑलरेडी, और ये जो है टाइम उतना अच्छा नहीं कर पाए, क्या यहाँ पे रिस्क हो सकता है? जी नहीं, पहुंच गए थे टाइम पे, जल्दी खेल बैठ रहे शॉट यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज। डेवन कौन में है स्ट्राइक पे, और बॉल डालेंगे उमेश यादव, और बच गए यहाँ पे, अच्छी फील्डिंग उमेश यादव की तरफ से, हवा में बॉल थी थोड़ी देर के लिए, रिस्की था ये शॉट, लेकिन बच गए यहाँ पे डेवन कॉनवे। तो ये जो मीडियम पेसर हैं जो इस पिच पे जो है उनका पूरी तरीके से बॉल बारा रह रहा है, और उनके खिलाफ जो है यहाँ पे सीएसके को संभल के खेलना पड़ेगा, क्योंकि संभल के खेल खेल के जो है केकेआर किसी तरह 150 तक पहुंची थी, और अगर यहाँ पे ज्यादा जो है रिस्क लिए और उस रिस्क लेने के चक्कर में विकेट गवा दिए तो मुश्किलों का पहाड़ टूट सकता है। और ये मैच जो है पूरी तरीके से हाथ में है अभी तक, इसको जो है यहाँ पे बढ़िया गेंद एंड करने के लिए ओवर।
फिर से आ गए यहाँ पे पैट कमिंस बॉल डालने के लिए, देखते हैं क्या होता है। और बच गए यहाँ पे, खेलना चाहते थे जल्दी खेल बैठे शॉट को डेवन कॉनवे, और इसी कारण से जो है कोई जो है रन नहीं मिला। एक सिंगल निकालेंगे, बॉल जो है यहाँ पे बहुत ही धीरे आ रही है, यहाँ पे बल्ले पे आ नहीं रही उतनी अच्छे से, इस कारण से जो है शॉट मारना काफी मुश्किल होता जा रहा है। बहुत ही बढ़िया शॉट ये गैप में निकाला है, क्या बॉल बाउंड्री तक जाएगी? नहीं जो जी नहीं दोस्तों, बॉल जो है सिर्फ फील्डर तक जाएगी और उतने में जो है दो रन लेने का मौका मिल जाएगा, लेकिन शॉट बहुत ही रिस्की था ये, बॉल जो थी कहीं और आई थी और शॉट जो है कहीं और खेला गया था, काफी रिस्की शॉट था ये। ये अच्छा शॉट सीधा फील्डर के पास और कोई रन नहीं मिलेगा, अच्छा कमबैक यहाँ पे केकेआर का, पहले ओवर में 12 रन दिए थे लेकिन उसके बाद से जो है पैट कमिंस ने काफी बेहतरीन गेंदबाजी करी है अभी तक। और ये वाइड होगी मेरे ख्याल से, जी हाँ दोस्तों वाइड है ये। फील्ड जो है थोड़ी सी खोल दी गई है ऑफ साइड की, देखते हैं अब क्या होता है। ये शॉट जो है उतना अच्छा नहीं, जान नहीं है शॉट में, और ये छोड़ दिया गया है, कैच छोड़ दिया गया है यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का, ये जो है बिल्कुल भी खुश नहीं होंगे पैट कमिंस से, एकदम खड़े खड़े कैच पकड़ना था, और सेम गलतियां जो है जो सीएसके ने दोहराई थी वही जो है यहाँ पे केकेआर भी दोहराता हुआ। पैट कमिंस एक बार फिर से, ये अच्छा शॉट सिंगल मिलेगा लेकिन ज्यादा से ज्यादा इस पे 21 रन तीन ओवरों के बाद, 7 के स्ट्राइक रेट से चल रहे हैं यहाँ पे, 7 के रन रेट से चल रहे हैं यहाँ पे दोनों ही सीएसके के बल्लेबाज। सुनील नारायण आए हैं बॉल डालने यहाँ पे, अब ये अच्छा शॉट लेकिन सीधा फील्डर के पास, ये शॉट जो है बहुत ही अच्छा है लेकिन सिंगल से ज्यादा इस पे कुछ मिलेगा नहीं। स्ट्राइक पे आ गए हैं यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़, ये शॉट बहुत ही बेहतरीन खेल दिया और मेरे को लगता है 6 रन के लिए जाएगा ये, जी हाँ दोस्तों 6 रन के लिए बेहतरीन शॉट ऋतुराज गायकवाड़ के बल्ले से आता हुआ, खराब बॉल मिल गई दोस्तों पूरी तरीके से फायदा उठाते हुए यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाज, शानदार शॉट ये देखिए मजेदार। बॉल एक बार फिर से देखते हैं अब क्या होता है, ये अच्छा शॉट और ये विकेट कीपर कहाँ ना चला था भाई, खुशी आ गए। ठीक है अच्छा कमबैक छक्का खाने के बाद, फील्ड में बदलाव करा गया है, आखिरी गेंद है इस ओवर की, देखते हैं क्या होता है। ये शॉट भी अच्छा है, फील्डर जो है नीचे आ नहीं पाए टाइम पे, उतना टाइम नहीं कर पाए थे इस शॉट को ऋतुराज गायकवाड़, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे और उससे काफी खुश होंगे। चक्रवर्ती आए हैं अब यहाँ पे बॉल डालने के लिए, जिसकी हो सकता है ये रन बचे, लेकिन यहाँ पे वरुण चक्रवर्ती जो है यहाँ पे बॉल डालेंगे, और फील्ड जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से सजा रखी है यहाँ पे, ये बेहतरीन शॉट यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ का, एक और चौका मिल जाएगा उन्हें, यहाँ पे जो है मजे ले रहे हैं यहाँ पे पूरी तरीके से बॉलर से,
ऋतुराज गायकवाड़। जहां गैप दिख रहा है वहां जो है चौका मार दे रहे हैं। बढ़िया शॉट था ये भी। बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे। और ये पकड़ा क्यों नहीं यार, अभी भी नहीं पकड़ रहा। अरे ये फुटबॉल क्यों खेलने लग जाते हैं, अरे तो मचा रखी है। बढ़िया गेंद एक बार फिर से और यहाँ पे नहीं 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 नहीं, नहीं भागना। अगली गेंद वरुण चक्रवर्ती, रन नहीं मिलेंगे यहाँ पे बिल्कुल भी। आखिरी गेंद इस ओवर की, चौका आया एक सिंगल आया, अच्छे ओवर वरुण चक्रवर्ती की तरफ से। देखते हैं आखिरी गेंद पे क्या आता है। ये शॉट भी अच्छा है, बॉल क्या बाउंड्री तक जाएगी, अभी तक तो जा रही है और मेरे ख्याल से चली भी जाएगी बहुत आराम से। जी हाँ दोस्तों, एक और चौका। बॉल डालने के लिए स्ट्राइक में है डेवन कॉनवे, 13 बॉलों में 12 रन बना के खेल रहे हैं। ये रिस्की हो सकता है, टाई मारनी पड़ेगी और बच गए यहाँ पे टाई मारने की वजह से। स्ट्राइक पे है ऋतुराज गायकवाड़, देखते हैं क्या होता है। शॉट अच्छा, ये गैप में है और मेरे ख्याल से एक और चौका नहीं मिलेगा। फील्डर पहुंच जाएंगे क्या, तो मिल जाएगा जी नहीं, 3 रन मिल जाएंगे यहाँ पे। अच्छी सूझबूझ भरी बैटिंग यहाँ पे ऋतुराज गायकवाड़ की तरफ से और स्ट्राइक पे जो है डेवन कॉनवे आ गए हैं। 14 बॉलों में अभी 13 रन बना के खेल रहे हैं, सिर्फ जो है सपोर्ट सिस्टम बने हुए हैं और ये तेज भागना पड़ेगा और एक सिंगल मिल जाएगा लेग बाय का। अच्छी बैटिंग देखने को मिली अभी तक यहाँ पे दोनों ही बल्लेबाजों की तरफ से, जब जब मौका मिला तब तक रन मारे हैं। और यहाँ पे जो है एक और अच्छी गेंद शिवम मावी की तरफ से, सर पे जो है कंधे पे जो है बॉल लगी और उसको जो है एकदम सिंगल ले लिया। उसके बाद बल्ला नहीं लगा था बॉल पे, लेकिन कोई नहीं, क्या दिक्कत। और ये बहुत ही ज्यादा वाइड बॉल यहाँ पे और बढ़िया कीपिंग मानना पड़ेगा, बढ़िया कीपिंग करी है वरना तो ये जो है चौके के लिए निकल जाती बॉल और उसको कोई नहीं रोक पाता। एक बार फिर से जो है सिंगल लेंगे। डेविन कॉनवे जो है अभी अटैक करने के मूड में भी नहीं दिख रहे हैं, लगता है कुछ और ही यहाँ पे रोल दिया है टीम ने उनको भी, आप जो है इस हिसाब से खेले। आखिरी गेंद है शिवम मावे की, शॉट अच्छा लेकिन सीधा जो है हाथ में था, लेकिन एक और कैच ड्रॉप हो गया है यहाँ पे। 50 रन पूरे 6 ओवरों के बाद और 50 रन की पार्टनरशिप में 2 बार जीवन दान मिल चुका है ऋतुराज गायकवाड़ को। यहाँ पे अब फील्ड खोल दी गई है, ये अच्छा शॉट, सिंगल मिलेगा आराम से। सिर्फ और सिर्फ 100 रन चाहिए यहाँ पे, 100 भी नहीं अब तो मतलब 99 चाहिए 83 बॉलों पे। खराब शॉट, उतना टाइमिंग उतना अच्छा नहीं था, 2 रन के लिए जा रहे हैं। रिस्की हो सकता है अगर डायरेक्ट हिट हो जाती है तो, लेकिन बचे पूरी तरीके से, बचे। पार्टनरशिप को ऐसी जारी रखिए मेरे ख्याल से, ज्यादा जो है रिस्की शॉट खेलिए ना। शॉट ये अच्छा है लेकिन फील्डर नीचे आ रहा है और आराम से जो है पकड़ लिया कैच और डेविन कॉनवे जो है यहाँ पे वापस जाना पड़ेगा उन्हें। यहाँ पे मैं यही कह रहा था कि पार्टनरशिप को जारी रखिए, कोई रिस्क लेने की जरूरत नहीं है इस समय, लेकिन खराब शॉट खेल बैठे यहाँ पे डेविन कॉनवे।
18 बॉल में 16 रन बना के वापस डेवन कॉनवे अभी पूरे टाइम जो है इतने मतलब घातक साबित नहीं कर पाए अपने आप को इस इनिंग्स में, खासकर मोइन अली आया यहाँ पे, एक लेफ्ट हैंडर गया और दूसरे लेफ्ट हैंडर ने उसको रिप्लेस किया। ये जो है अच्छा शॉट, फील्डर से दूर है, अच्छी बात ये है, सिंगल मिलेगा बस। बोल्ड कर दिया यहाँ पे सुनील नारायण ने मोइन अली को पहली ही गेंद पे। एक ही ओवर में जो है यहाँ पे पूरी तरीके से जो है मैच वापसी करा दी है केकेआर की, दो विकेट लेके सुनील नारायण ने। शानदार गेंदबाजी, शून्य रन बना के वापस मोइन अली, अंबाती रायडू आए हैं यहाँ पे। स्ट्राइक पे अंबाती रायडू, बढ़िया गेंद, बढ़िया गेंद। दिक्कतें आ रही हैं स्पिनर्स के हाथ ही, दिक्कतें आने लग गई हैं यहाँ पे। मोहित यादव आए हैं बॉल डालने, ये क्या शॉट है यार, मतलब लेग साइड खाली पड़ा है, लेग साइड में मार दो इसे। ऋतुराज गायकवाड़ 34 रन बना के खेल रहे हैं 23 बॉलों में। खराब शॉट, खराब शॉट, प्रेशर बढ़ गया है मेरे को लगता है यहाँ पे दो विकेट गिरने के कारण। शॉट अच्छा ही है लेकिन फील्डर अगर मौजूद होगा तो वहां पे कैच हो जाता, लेकिन जो है अभी 4 रन मिलेगा क्योंकि गैप में है शॉट। अच्छा शॉट ये, ऋतुराज गायकवाड़ आज अलग ही फॉर्म में दिखे, नो डाउट। अगली गेंद और बढ़िया गेंदबाजी यहाँ पे उमेश यादव की तरफ से, आगे बॉल डाली थी, फुल टॉस गिरी, चौका पड़ा उस पर, फिर जो है लेंथ खींच ली यहाँ पे एकदम। अगली गेंद आती हुई इसी के साथ, बढ़िया पुल शॉट खेलना चाहते थे यहाँ पे, शॉट सिलेक्शन एकदम खराब जिसके कारण कोई रन नहीं मिलेगा। आखिरी गेंद इस ओवर की, yes! सिंगल ले लेंगे बहुत आराम से। सुनील नारायण आ गए दोबारा से, सीधा फील्डर के पास डायरेक्ट हिट, मुश्किल में डाल सकता है लेकिन हुई नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। बाकी राइडर जो है अपनी दूसरी बॉल खेलेंगे अभी यहाँ पे। एक और जो है यहाँ पे खराब रनिंग बिटवीन द विकेट्स, सीएसके जो है यहाँ पे अपना पूरी तरीके से दिशा से भटकती जा रही है। बिल्कुल भी रन नहीं था वहां पे, ऋतुराज गायकवाड़ जो कि बहुत अच्छा खेल रहे थे उनको जो है वापस भेज दिया। शिवम दुबे आए हैं बैटिंग करने, अरे यार ये क्या बकचोदी कर रहा हूं यार। दूसरे रन के लिए भाग रहे हैं यहाँ पे दोनों ही बैट्समैन और अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट्स, मैच जो है पूरी तरीके से बदल गया एक बार फिर से। सुनील नारायण,
दो रन मिल पाएंगे यहाँ पे, नहीं एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। मेरे हिसाब से तो यहाँ पे बॉल काफी बाहर थी, तो लेग बाय से जो है एक सिंगल मिल जाएगा। रिव्यू लेंगे तो मेरे ख्याल से वेस्ट करेंगे। वरुण चक्रवर्ती आए हैं बॉल डालने, स्ट्राइक पे है रविंद्र जडेजा। ये उतना जानदार शॉट नहीं, लेकिन दो रन मिल जाने चाहिए। अगली गेंद वरुण चक्रवर्ती, एक बार फिर से उतना जान नहीं शॉट में, दो रन के लिए आ रहे हैं। रिस्की हो सकता है ये अगर डायरेक्ट हिट हो जाती है तो, लेकिन बचे यहाँ पे बहुत बुरी तरीके से बचे हैं, और ऐसे नहीं काम चलने वाला है, थोड़ा सा सावधानी बरतिए। ये अच्छा शॉट, लेकिन टाइमिंग उतना बेहतर नहीं कि ये हो सकता है रिस्की। देन फिर से जो है यहाँ पे दिल जो है मुंह में लेके आ रहे हैं दोनों ही बल्लेबाज, पता नहीं कैसे खेल रहे हैं। रन जो है बने हैं, लेकिन ये शॉट अच्छा, फील्डर नीचे मौजूद, जी नहीं। दौड़ी 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 यहाँ पे विकेट कीपर के पास जो है काम होगा करने को, लेकिन पहुंच गए टाइम पे एकदम ही। जो है पूरा जो है यहाँ पे डरा डरा के जो है यहाँ पे रन निकाल रहे हैं, दो दो रन भी जो है एकदम पूरी तरीके से डरा डरा के निकाल रहे हैं। बच गए बच गए, पहुंच गया था नहीं पहुंचा था। अबे यार हद हो गया, सही में हद हो गया, इतना गंदा तो है इसकी यहाँ पे कभी नहीं हारा। एक और विकेट गिर गया है यहाँ पे, हाथ में मैच था, पता नहीं क्या खेल रहा हूँ यार। छी, आखिरी बैट्समैन ड्वेन ब्रावो जो मैच पूरी तरीके से हाथ में था सीएसके के, वो जो है उन्होंने 6 विकेट गिरा के जो बहुत ही आराम से गवा दिया है। महेंद्र सिंह धोनी और ड्वेन ब्रावो को जो है यहाँ पे थोड़ा सा सूझबूझ बड़ी बैटिंग करनी पड़ेगी, वरना तो जो है मुझे लगता नहीं कि इस मैच में कुछ बचेगा। रन निकालना बहुत मुश्किल होता जा रहा है यहाँ पे, लेकिन रन तभी निकलेंगे अगर आप विकेट पे बने रहेंगे, तो विकेट पे बने रहना बहुत जरूरी। शॉट अच्छा है, फील्डर से दूर है, और 4 रन मिल जाएंगे। शानदार शॉट यहाँ पे महेंद्र सिंह धोनी का, चाहिए आज की एक महेंद्र सिंह धोनी वाली पारी चाहिए आज। फील्ड में बदलाव कर दिया गया है शॉट के बाद, अच्छा शॉट, ये डबल के लिए जा रहे हैं, नहीं दोस्तों सिंगल से ही संतुष्ट रहना पड़ेगा। गेंद स्ट्राइक पे जो है यहाँ पे बोल्ड कर दिया है पूरी तरीके से ट्वेन ब्रावो को सुनील नारायण ने, क्या हो रहा है इस मैच में। शॉट खेलने गए, बीट हुए पूरी तरीके से, और क्लीन बोल्ड टक पे गए हैं वापस यहाँ पे ट्वेन ब्रावो। दीपक चहर जो है थोड़ी सी बैटिंग कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो है बॉल एकदम गड़बड़ाया हुआ है। End of 11th over. The batting team are now 777. वरुण चक्रवर्ती आए हैं बॉल डालने,
अच्छा शॉट, ये फील्डर के पास बॉल जाएगी सीधा, एक रन मिलेगा। स्ट्राइक पे आते हैं दीपक चहर, बढ़िया बढ़िया बॉलिंग। ये वाइड बॉल होनी चाहिए मेरे हिसाब से। जी हाँ दोस्तों, वरुण चक्रवर्ती एक बार फिर से बोल्ड कर दिया है इनको भी। यार क्या हो रहा है यार, क्या शानदार गेंदबाजी है ये। शर्मनाक प्रदर्शन यहाँ पे सीएसके का। तुषार देशपांडे आए हैं बैटिंग करने, यहाँ पे जो है मैच जो है हाथ से निकल चुका है सीएसके के। इतना गंदा गेम प्ले, थक दिया मिल्टन। कुछ नहीं बोलूंगा दोस्तों, इतना गंदा हवा है यहाँ पे इस गेम में। शर्मनाक परफॉर्मेंस दोस्तों, ये देख के तो आप अगली वीडियो देखने के लिए आएंगे। खैर मौका दे दीजिएगा मुझे, चलते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Let roll up to the party, roll up to the party, roll up to the party.